हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षास परफेक्ट प्लेट। फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हम सब चाहते हैं फेस्टिवल्स पे अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को, फैमिली फ्रेंड्स को बहुत यमी यमी डिशेस बना के खिलाएं। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलिशियस मटर पनीर पुलाव, जो इस फेस्टिवल पे आपको ज़रूर बनाना है। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक पैन लिया है, तवा, और अच्छे से ऑयल ब्रश कर दिया है इसके ऊपर। आप घी, ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ पनीर। पनीर के क्यूब्स कर लिए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं। और इसे एक साइड से पहले सिकने देंगे, हाई फ्लेम पे सेकिएगा, अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए पनीर पे। और जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए बस इतना ही भुनना है इसे। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मटर। तो मैं यहाँ फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ, बट अब विंटर्स आ गई हैं, आपको फ्रेश मटर भी मिलेगी, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसे एक मिनट फ्राई करेंगे मटर को मीडियम फ्लेम पे। इसमें डाल देंगे स्लिटेड ग्रीन चिलीज़, मैंने 3 हरी मिर्च डाली, आप अपने स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग डालेगा। इसमें नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालने हैं, हल्दी वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि हमें इसमें कुछ रेडिश और येलो कलर नहीं चाहिए, थोड़ा वाइटिश कलर चाहिए। मसालों को भी एक मिनट अच्छे से भून लेंगे, मसाले जलने नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें सोक किए हुए राइस ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ बासमती राइस लिया, आप कोई भी चावल इसमें ऐड कर सकते हैं। और आधे घंटे तक मैंने इसे सोक किया था। उसके बाद इसे हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लेंगे मसालों में। बहुत हल्के हाथों से करिएगा, चावल टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि चावल हमने भिगोए हैं तो वो टूट सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए पनीर, और इसे फिर से एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे चावलों को थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी हाई फ्लेम पे इसे सिकने देंगे, जब तक दूसरी साइड से भी अच्छे से अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो मतलब हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल रेडी है। इन्हें सॉफ्ट बनाए रखने के लिए आप गर्म पानी में इन्हें डाल के रखिएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे फ्राई करने के बाद। यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाला है, मैंने जैसे कहा आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने डाल दिया इसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग। इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और इसके बाद डाल देंगे एक प्याज। तो मैंने प्याज को लंबाई में स्लाइसेस में कट किया है और इसको इसमें डाल के इसे अच्छे से भुनना है, लो फ्लेम पे भुनिएगा। चावल भुनने से ना इसमें एक अच्छा सा सोंधापन आ जाता है, जिससे चावल और भी टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस इसे एक मिनट मैंने इसे अच्छे से भुन लिया है, और जितना हमने चावल यूज़ किया था ना उतना ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा लेमन जूस, ताकि चावल का कलर मेंटेन रहे और खिले खिले हमारे चावल। मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद हम यहाँ प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर सिर्फ एक विसल आटे से कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल हमने भिगोए भी थे तो ज़्यादा विसल्स आने की ज़रूरत नहीं है। चावल का जब प्रेशर अच्छे से कुकर का रिलीज़ हो जाए, इसके बाद देखिए कितना बढ़िया और खिला खिला हमारा चावल बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल खिला खिला है, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं ये चावल। इन फेस्टिवल्स पे आप अपने गेस्ट को सर्व करेंगे ना ये, तो बहुत खुश हो जाएंगे आपके गेस्ट। आप इसे किसी ग्रेवी के साथ भी सर्व कर सकते हो और एज इट इज़ तो ये अच्छा लगता ही है। तो बस गर्मा गर्म सर्व करिए, थोड़े से फ्राइड कैशू से इसे मैंने गार्निश कर दिया है। इन्जॉय करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। बाय।